आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने दावा किया कि बात करते हुए कहा कि हम चारों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, जहां हमारी सरकार है। क्या है, क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के दौर से गुजरते हुए चुनाव शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि हम 5 राज्यों की जनता को धन्यवाद करते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, जिन राज्यों में हम सरकार में थे, उन राज्यों में भाजपा मजबूत बहुमत के साथ वापसी करने को तैयार है। जेपी नड्डा ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित का सशक्तिकरण किया है, उसका सकारात्मक असर हमें चुनाव में देखने को मिला है। केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति सकारात्मक रवैया जनता का देखने को मिला। हमारा फोकस क्षेत्र मुख्य रूप से महिलाओं, युवाओं, गरीबों और जरूरतमंदों और अन्य क्षेत्रों में किसानों का सशक्तिकरण है। सबसे पहले तो मैं 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव को बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से मुद्दों के आधार पर अपना वोट दिया है। और उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के मुद्दों को लेकर के, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे वो मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, इन चारों राज्यों में जहां हम सरकार में थे, वहां चारों राज्यों में अच्छी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को इन प्रदेशों की जनता ने भेजने का निर्णय किया है, ऐसा हमें चुनाव के प्रचार से अनुभूत होता है। और इसके लिए हम विशेष रूप से उनको धन्यवाद देते हैं कि मुद्दों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा इस तरीके का माहौल हम सबको देखने को मिला है। चुनाव में हम सबका मुद्दा एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण, युवा का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण और गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, उसका सशक्तिकरण का मुद्दा इस चुनाव में हम सबके लिए रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गरीब, गांव, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सशक्तिकरण किया है, उसका बहुत ही सकारात्मक रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला चुनाव के दृष्टि से। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि बूथ स्तर से लेकर प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक सभी कार्यकर्ता एक ही लय और एक ही गति के साथ एक ही दिशा में अलग अलग माध्यम से जनसंपर्क करते हैं। आजाद भारत के इतिहास में इस चुनाव में एक थोड़े नए और विचित्र प्रकार का अभियान रहा। लगभग 7.5 साल से देश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। अमित शाह ने कहा कि इन 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आजाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से कहीं ऊपर दिखाई पड़ी। इसका सीधा फायदा भाजपा को इस चुनाव में हो रहा है। मणिपुर में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में
एक भी भ्रष्टाचार के आरोप के बगैर पूरे 5 साल बीजेपी की सरकार चली है। वन रैंक वन पेंशन की उपलब्धि उत्तराखंड के रिटायर्ड सैनिकों के घर घर तक पहुंची है। जिस तरह से पीएम मोदी ने ध्रुवीकरण की राजनीति और वर्ग को प्रदर्शन की राजनीति से बदल दिया है, उससे न केवल बीजेपी को बल्कि पूरे देश की राजनीति को भविष्य के लिए परिभाषित किया है। देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी जी वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजादी के बाद पहली बार देश के 80 करोड़ लोगों को इस बात का एहसास दिलाया है कि कोई चुनी हुई सरकार उनके जीवन स्तर को उठाना चाहती है, कि नरेंद्र मोदी जी ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को जिस प्रकार से शुरू किया है, मैं मानता हूं न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये शुभ है ही है, परंतु हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए भी ये ज्यादा समय लेकर आएगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रही है। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारी पोजीशन को मजबूत करेगी और आने वाले दिनों में नड्डा जी के नेतृत्व में बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी मजबूत करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को है। खैर, ये तो 10 मार्च के नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि इस चुनाव में किस पार्टी की जीत का परचम लहराएगा। बीजेपी के कई बड़े नेता जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह, सभी ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर 5ों राज्यों में बीजेपी अपनी जीत दोहराएगी, लेकिन ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि आखिर किसकी जीत होती है और किसकी हार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।